तो अलका गुर्जर के नेतृत्व में सवाईमाधोपुर जा रहे हैं बीजेपी के नेता और अलवर दुष्कर्म प्रकरण पर घेराव कर सकते हैं प्रियंका गांधी का। इस दौरान रामलाल शर्मा, अलका मुंडा और जसकौर मीणा भी टीम के अंदर मौजूद हैं। सवाईमाधोपुर कलेक्टर को देकर आ सकते हैं ज्ञापन। जेके लोन अस्पताल में बच्ची के हाल जाने। सवाल यह है कि सवाईमाधोपुर के साथ इस घटना को क्यों जोड़ा जा रहा है? घटना अलवर की है, ऐसे में अगर कोई ज्ञापन दिया जाना चाहिए तो अलवर में दिया जाना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी का राजस्थान आना, रणथंभौर आना, इस घटना के साथ उसका जुड़ाव बीजेपी कर रही है? रामलाल शर्मा एक तरफ जब जेके लोन पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहते, तो सवाल यह कि सवाईमाधोपुर क्यों जाना चाहते हैं? ये डेलीगेशन जो कह रहा था कि यहां से अलवर जाएगा, वो डेलीगेशन अलवर ना जाकर सवाईमाधोपुर जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी की मुख्य प्रवक्ता और इस डेलीगेशन का हिस्सा, इस कमेटी के हिस्से रामलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामलाल शर्मा जी, दो घंटे पहले तक जानकारी ये थी कि आप जेके लोन अस्पताल जाएंगे, वहां से अलवर जाएंगे। सर, ये जयपुर से अलवर के बीच में सवाईमाधोपुर कहां से आ गया? राजनीति के अंदर भी चरित्र एक ही होना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी दोहरे चरित्र के आधार पे, दोहरे मापदंडों के आधार पे काम करती है जी। जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटित होती है तो प्रियंका गांधी जी कहती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो हम उन्हें याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि आप लड़की हो, आप लड़ सकती हो। तो गरीब की बेटी राजस्थान के अंदर आप आई हुई हो, आपकी उपस्थिति के अंदर राजस्थान में एक घटना घटित होती है तो आपके सिरमुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। आप राजस्थान सरकार को कहे कि इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्परता से कार्रवाई करे, मुलजिमों को गिरफ्तार करे और एक निर्धारित समय सीमा के ऊपर फांसी के फंदे से नीचा न्याय नहीं हो, ताकि राजस्थान के अंदर एक नजीर पेश हो कि अपराधी अपराध करने से पहले चार बार सोचे कि मुझे मेरा अपराध का दंड फांसी की सजा के रूप में भी मिलेगा जी। तभी इन अपराधों को। शर्मा जी, ये तो पूरा प्रदेश चाहता है, लेकिन आपने कहा था कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं चाहती। सवाईमाधोपुर जाकर प्रियंका गांधी से मिलना, क्या ये पॉलिटिकल मूव नहीं है बीजेपी का इस पूरी घटना पर? हम राजनीति नहीं, हम तो कांग्रेस के चरित्र को ही याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि आप राजस्थान के अंदर भी एक ने अनेकों ऐसी घटना घटित हो रही है। विजेंद्र जी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भरतपुर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, वो आत्महत्या करती है। जोधपुर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, वो गर्भवती होती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कल ही चूरू के अंदर एक FIR दर्ज होती है कि मेरा अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों से लगातार शोषण किया जा रहा है। तो ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी अलवर के अंदर आपने देखा होगा कि थाना गाजी के अंदर गैंगरेप होता है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कराती, SP तक मामला पहुंचता है, SP डायरेक्शन देता है, तब जाके FIR दर्ज होती है। तो राजस्थान में एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित होती है। कांग्रेस को याद दिलाना चाहते हैं कि आप जिस मुद्दे को लेकर 2018 में आपने कहा था कि प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा हमारा पहला काम है, और आज वो महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल साबित हुए हैं जी। तो सर, घेराव करना था तो मुख्यमंत्री का करते। देखिए, राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक रिमोट से चलती है, और उस रिमोट से जिनके पास है हम उन्हीं से फरियाद करने के लिए जा रहे हैं कि आप कम से कम अपने पावर सेंटर का इस्तेमाल करके राजस्थान की सरकार को जगाने का काम तो करें जी। आप पूरे देश और देश के अंदर आप तरह तरह के आप इनलीगल आरोप लगाने का काम करते हो कि वहां की सरकारें काम नहीं करी, तो आप अपनी सरकारों को भी आप कहे तो सही। मतलब सर, जो कमेटी बनाई गई और जिस कमेटी का उद्देश्य ये बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करना है, वो कमेटी अब प्रकरण की जांच ना करके सियासी तौर पर एक संदेश देने जाएगी कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, ये तो क्या कमेटी का मूल उद्देश्य ये है कि इस पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को घेरा जाए? रामलाल शर्मा जी, सर कमेटी का उद्देश्य क्लियर कीजिए ना। कमेटी का उद्देश्य इस पूरे मामले की जांच है या राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को उठाना है? सदस्य हैं, उन्होंने बातचीत की है, अब उसके बाद हमारा ये स्टेप है जी। शुक्रिया रामलाल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अलवर जाना था लेकिन सवाईमाधोपुर निकल गए हैं प्रियंका गांधी का घेराव करने के लिए। सवाल यह है कि क्या इससे जवाबदेही तय होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि सख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई।